हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। आज हम बात करेंगे सियाटिका की बीमारी के बारे में। साधारणतः डिस्क प्लाव, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल ट्यूमर, सेक्रोलिटिक में होने वाले संक्रमण की वजह यही होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारा आजकल का खाना पीना और रहन सहन, जिसकी वजह से कमर से जुड़ी हुई नसों में अक्सर दर्द रहने लगता है। सियाटिका की बीमारी में असहनीय दर्द होता है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ज़्यादातर ये बरसात और सर्दी के समय ही सामने आती है। ये बीमारी 50 की उम्र के बाद ही देखी जाती है, क्योंकि काम के चलते लगातार कुर्सी पे बैठने की वजह से कमर से लेके पैर की नसों तक में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी की वजह से शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ हड्डियाँ घिसने लगती हैं, जिसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में थोड़े और विस्तार से। बढ़ती उम्र में होने वाली समस्या। इस दर्द से पीड़ित व्यक्ति का उठना, बैठना, चलना, फिरना तक मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बिस्तर पर ही बिताता है और दर्द के चलते स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करने लगता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। यदि आप शारीरिक दर्द से गुजर रहे हैं तो हमारी बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आप इसे पहचान सकें और सही समय पर इलाज करा सकें। पहला लक्षण, पैरों की मांसपेशियों का सुन्न हो जाना और कमजोरी महसूस होना। पैरों के पंजे में झंझनाहट और सुन्न होने के साथ साथ जलन होना। कमर के निचले हिस्से, थाइस और कूल्हों में असहनीय दर्द होने की वजह से नींद ना आना। दर्द की वजह से चलने फिरने और उठने बैठने में भी दिक्कत होना। टॉयलेट में बैठने में दिक्कत होना भी इसका एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से कमर और पीछे के हिस्से में लगातार दर्द बना ही रहता है। साथ ही जब पैरों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उंगली और अंगूठे का हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। ना केवल इतना, बल्कि आप अपना पैर उठा भी नहीं पाते। सियाटिका बीमारी के लक्षण जानने के बाद इसके कारण जानना भी बेहद ज़रूरी है, जिससे इस बीमारी को दूर रखा जा सके। गलत रहन सहन। आजकल के जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बिजी होना और खाने पीने का ख्याल ना रखना भी इसकी एक वजह है। साथ ही ऑफिस में या टीवी देखते समय लगातार बैठे रहना और बीच में ब्रेक ना लेना इसका एक अहम कारण है। इसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक लेना भी या बहुत ज़्यादा आराम करना भी इस बीमारी को न्योता दे सकता है। डिस्क हर्निएशन के कारण। डिस्क हर्निएशन और स्लिप डिस्क भी इसका एक अहम कारण बन जाती है। मेरुदंड में दर्द। बढ़ती उम्र के साथ साथ रीढ़ की हड्डी घिसने लगती है। साथ ही कभी कभी रीढ़ की हड्डी में तनाव होने की वजह से भी इस बीमारी को न्योता मिल सकता है। बढ़ती उम्र के कारण। बढ़ती उम्र में हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से कोई भी भारी सामान उठाना समस्या बन सकती है। इस समस्या की वजह से आंतरिक नसों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। जब आपको ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो काम ना करें, थोड़ी देर आराम कर लें, मुलायम गद्दों पर ना सोएं और गर्म पानी की थैली से सिकाई करें। कोशिश करें कि ज़्यादा हील वाली चप्पल ना पहने और ज़्यादा सामान जो भारी हो ना उठाएं। जब भी आप इस समस्या से गुजर रहे हों तो आगे की तरफ झुककर बैठने से बचें, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है। साथ ही इससे पीड़ित व्यक्तियों को वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप योगासन की मदद से भी सियाटिका की बीमारी से राहत पा सकते हैं। तो आज हमने बात की सियाटिका की बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके हमसे ज़रूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।